नमस्ते सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस बार बहुत दिनों के बाद आई हूँ, 2-3 वीक का गैप हो गया है, पर काफी दिनों से एक टॉपिक के बारे में सोच रही थी। तो कल मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक टॉपिक दिया, पेरेंटिंग। आप पूछेंगे नहीं ये बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये बेस्ट फ्रेंड है मेरी अपनी बेटी जो 10 ईयर्स की है, जिसका नाम रोनाल है और मैं उसे प्यार से निकी कहती हूँ। उसने मुझे कहा कि मम्मा एक काम करो, पेरेंटिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने बोला ऐसा क्या, क्यों, ये क्यों करूँ मैं, तो ऐसा कुछ खास बात तो नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, एज अ पेरेंट आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और जब आप टीचर थे तो आप बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते थे, तो कोई तो बात होगी तभी तो अच्छे लगते थे। इसलिए मैंने सोचना शुरू किया और फिर मुझे लगा कि हाँ, जब मेरी बेटी को मेरे साथ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मेरी पेरेंटिंग कहीं ना कहीं सही जा रही है, क्योंकि मेरी बेटी एक कॉन्फिडेंट बच्ची है, उसको बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, वो क्लास में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करती है। उसका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक नाम का, तो वो सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंटली करती है और वो मेरे साथ बहुत फ्री रहती है। तो मैंने सोचा कि सही बात है, अगर एक बच्ची को और एक बेटी, मेरा एक 18 ईयर्स का बेटा भी है, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, वो भी बहुत समझदार है। मैंने सोचा कि जब मैंने 2 बच्चों को अच्छे से बड़ा किया है और जब मैं स्कूल में एक टीचर भी रह चुकी हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में हैं। वन बाय वन अगर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी तो हो सकता है काफ़ी लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए, और अगर 2 लोगों को भी हेल्प होती है तो मेरे चैनल की तो यही एक सक्सेस है कि 2 लोगों को भी एटलीस्ट हो जाएगी हेल्प। तो ठीक है, मैं आपका पहले तो स्वागत करती हूँ, आपका स्वागत है मेरे चैनल आर्ट एंड मी में। और अगर आपको अच्छा लगता है चैनल मेरा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए जो आपके लेफ्ट साइड में है। अगर वो नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे जो भी न्यू वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी। तो ठीक है, आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ पेरेंटिंग सेक्शन में। आज मैं आपके साथ एक सिंपल सी चीज़ शेयर करती हूँ कि बच्चों से फ्रेंडशिप कीजिए। आपके बच्चे किस उम्र के हैं, कितनी उम्र के हैं, आप मैटर मत कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं आपके घर में तो आप एज अ मदर उनके तरफ मत देखिए, एज अ फ्रेंड देखिए, एज अ बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से चलना शुरू कीजिए। पहले याद कीजिए हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या कैसा रिश्ता रखते हैं। हम एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम कुछ नहीं छुपाते एक दूसरे से, हम कभी भी जब भी वो हम चाहें उनके साथ बात कर सकते हैं, वो हमारे साथ जब चाहें बात कर सकते हैं। तो बस बेस्ट फ्रेंड की शुरुआत तो यही होती है ना, अपने बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना आज से स्टार्ट करो, कोशिश करो भाई। कैसा होता है ना, हम पेरेंट खाली बच्चों को पेरेंट के थ्रू ही देखते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके पेरेंट हैं, हमारा काम है उनको खाना देना, हमारा काम है उन्हें संभालना। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, हमें इनसे बात क्यों, मतलब हम इनसे क्या बात करेंगे, गलत होगा। कैसा होता है ना, जब बच्चे बड़े हो रहे होते, इवन जब बच्चे छोटे भी हैं, जब आप उनके साथ एकदम फ्रेंडली रहोगे ना तो बच्चे आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। धीरे 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 बातों का सिलसिला बढ़ाइए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। तू कैसा है, तू क्या है, तुझे क्या करना अच्छा लगता है, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगी, तुझे ठीक लग रहा है, स्टार्ट करो धीरे धीरे धीरे। मतलब जब बात करना स्टार्ट होता है तभी तो बातें होंगी, क्योंकि जब तक बातें नहीं होंगी तब तक वो बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं। जब आप बातें करोगे तब वो बॉन्डिंग अपने आप धीरे 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 डेवलप होती है, और जब वो डेवलपमेंट होती है तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाए, मतलब वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरह से जब स्ट्रॉन्ग वो होता है, तो वो एक डेवलपमेंट बहुत बहुत अच्छी रहती है उसकी पूरी ओवरऑल लाइफ के लिए। उसकी लाइफ में जो जितने भी डिसीजंस भी लेता है वो फर्मली लेता है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे हम। कॉन्फिडेंस कहाँ से आए, जब आप उससे बहुत सारी बातें करोगे, जब आप उसे जानोगे, उसे पहचानोगे, जब वो आपको जानेंगे। जब तक आपको बच्चे जानेंगे नहीं तब तक उनके साथ आपका फ्रेंडली रिलेशन होगा ही। बच्चों को जानने की शुरुआत धीरे धीरे बातों से कीजिए, बच्चों को विश्वास दिलाइए कि आप हर मोमेंट पे आप उनके साथ हो। बच्चे गलतियां करेंगे, गलती करने दीजिए, और करने के बाद में उसे ऐसे ही छोड़ मत दीजिए कि अपने आप सीख लेगा, नहीं। अगर हम पेरेंट हैं तो हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो हमें उन्हें बताएं। हर वक्त हार्श होने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में मेरा, कि बच्चों से या किसी भी बात करते वक्त हम हमें जरूरत नहीं कि हम हर वक्त हार्श हो जाए या हार्ड शब्दों में उनसे कहें।
प्यार से लेकिन स्ट्रिक्टली कि ये गलत है और ऐसा नहीं करना है बेटा, अच्छे से करो या इस तरह से करो। आपका रवैया, जब आप फ्रेंडली रवैये से बात करोगे तो आपकी बात वो 10% ज्यादा मानेगा। अगर आप ऐसे डांटोगे कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। आप उनसे जब प्यार से बात करोगे, आप उनसे जब कम्युनिकेट अच्छे से करोगे, तो नहीं सुनने वाला बच्चा भी सुनता ही है, और ये मैं एक्सपीरियंस है मुझे। तो जहाँ तक हो सके आप उनके साथ फ्रेंडली रवैया रखिए, आप उनको पूरा विश्वास में लीजिए, उन्हें एक विश्वास दिलाइए कि हर सिचुएशन में आप उनके साथ में हैं, तो उनकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और जो कॉन्फिडेंस आप उन्हें देखना चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो बस मेरी आज की एक पेरेंटिंग टिप पहली यही थी कि आप बच्चे से पहले तो फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करो, और जब फ्रेंडशिप होगी तो धीरे 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 उसे डेवलप करो। तो आपके पेरेंटिंग के लिए ये बहुत हैप्पी मोमेंट रहेगा जब आपके बच्चे आपसे बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक आज का अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। आपको लगता है शेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली कीजिए, हो सकता है किसी और पेरेंट को भी हेल्प हो जाए। अगर हेल्प होती है तो ये मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि अगर दो पेरेंट भी मेरे इस बात से सहमत होते हैं तो मेरे चैनल का सक्सेस वही होगा। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि आपके सजेशन को मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, टॉपिक पेरेंटिंग की रहेगा लेकिन अलग टाइप का कुछ एक सजेशन या एक टॉपिक डेफिनेटली लेके आऊंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखिए। मिलते हैं, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।